एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे वीआईपी गाड़ी करके ईडन कॉलेज में आ रहे होते हैं। चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉयड ऊपर से रूप बदल कर ये सब देख रहा है और सोच रहा है कि चारों तरफ सिक्योरिटी इतनी टाइट है, किसी भी तरफ से कोई घुसकर किसी को हमला नहीं कर सकता। ऐसे तो डेजमंड को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, और ऐसे दूसरे रूप में आने से अच्छा है मैं अपने असल रूप में उससे इंटरेक्ट करूं, सिर्फ जान पहचान बढ़ाऊं। नहीं तो अगर उसे एक बार शक हो जाएगा तो वो कभी भी बाहर नहीं आएगा और ऑपरेशन स्ट्रिक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल ख़त्म हो चुका है और सारे स्कूल के बच्चे सोशल गैदरिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और सब कोई डेमियन से बस पूछ रहा है कि उसका भाई और उसके पापा आएंगे कि नहीं, और अगर उसके पापा आएंगे तो सब कोई उनसे मुलाकात करना चाहता है। दूसरी तरफ हम डेमियन को देखते हैं, वो सोच रहा है कि उसने अपने भाई को कॉल किया था, बताया था कि पापा आएंगे कि नहीं, पर उसके भाई उससे अच्छे से बातें तो करता ही नहीं है और बोलता भी है कि पापा बहुत बिजी है, तुम कोई होप मत लगाओ, मैं उनसे कह दूंगा जाने के लिए। फिर डेमियन वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं आनिया भी उसका पीछा कर रही होती है। फिर डेमियन उसे देख लेता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। ये सब सुन के आनिया बेकी को कहती है, क्या मैं उसे एक और बार पंच मार सकती हूँ? ये सुन के बेकी कहती है, नहीं, ऐसे तो तुम एक्सपेल हो जाओगे। तभी आनिया अपने पापा की आवाज़ सुनता है। वो कह रही है, पता नहीं आनिया भी क्या कर रही है, जो भी कर रही है ये मिशन के अगेंस्ट हो सकती है। आनिया भी उसके पापा को ढूंढने के लिए कहती है, नहीं पापा, मैं बॉस से लड़ूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डेमियन और उसके साथी कोर्टयार्ड में जा रहे हैं डेमियन के पापा से मिलने के लिए, पर और ये सब ऊपर से लॉयड भी देख रहा होता है और मन में सोचता है, सही है, ऐसे तो मेरा प्लान सही जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं उनके सामने से सारे इंपीरियल स्कॉलर्स गुजरते हैं। उन्हें देख के डेमियन और बाकी दोनों बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। फिर पता नहीं डेमियन को क्या याद आता है। डेमियन सोचने लगता है कि पापा तो बहुत बिजी आदमी है, वो नहीं आएंगे यहाँ पे मुझसे मिलने, और फिर वो रिटर्न जाने लगता है। पर तभी उनके सामने आनिया आ जाती है और कहने लगती है, रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते, मुझे पता है तुम्हें मार्क्स कम मिले हैं, इसके लिए तुम डर रहे हो। ये सुन के डेमियन सोचता है, क्या वो मेरा दिमाग पढ़ रही है। आनिया ये सुन लेती है और फिर कहती है, मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा था। देखो डेमियन, मुझे भी बहुत कम मार्क्स मिले हैं, मुझे तो सिर्फ 17 मिले हैं, पर मैंने अपने पापा से कुछ भी नहीं छुपाया है, मैंने सब कुछ उन्हें क्लियर बता दिया है। हाँ, मुझे पता है मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई हूँ, पर उनसे छुपाना सब कुछ अच्छी बात नहीं होती है। मुझे पता नहीं है कि वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। और ऐसा तुम्हें भी करना चाहिए, अपने पापा से कुछ भी मत छुपाओ। तुम्हें अगर 50 मिले हैं तो वो दिखाओ, उन्हें उसका भी टेस्ट कराओ जो सच है, और उनसे मत डरो। ये सब सुन के डेमियन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और दूर जाते जाते कहता है, मैं अभी रुकूंगा और उनके लिए वेट करूंगा और मैं उनसे डरता नहीं हूं। उसे रोकते देखकर लॉयड सोचता है, पता नहीं आनिया ने क्या किया, पर उसने जो भी किया बहुत सही था। अगले सीन में हम देखते हैं डेमियन और उसके सारे दोस्त डेजमंड के लिए वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आनिया भी उनको देख रही होती है। आनिया को देख के बेकी कहती है, चलो आनिया घर चलो, पर आनिया जाने के लिए तैयार नहीं होती, और उसे ऐसे देख के बेकी सोचती है, क्या ये सच में उसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस है? तो फिर ठीक है अगर वो इतना ज़्यादा सीरियस है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं आनिया सो चुकी होती है और उसे देख के बेकी कहता है, नहीं, ये तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, मार्था चलो इसे लेकर चलो। लॉयड ये सब ऊपर से देखता है और देखता है डेमियन की फैमिली अब आ चुकी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आनिया को मार्था और बेकी ले जा रहे होते हैं। तभी बाहर से लॉयड गुजरता है और लॉयड आनिया के किचन की बिल्कुल डुप्लीकेट बनाया हुआ है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमियन और उसके साथ ही खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लॉयड असल रूप में आता है और आके कहने लगता है, आई एम सॉरी, क्या तुम दोनों ने एक किचन देखा है जिसमें एक शिप लगा हुआ था? दरअसल वो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। यह सुन के डेमियन साथ ही साथ अपने हाथ से वो किचन निकाल के देता है, क्या देखिए तो, क्या ये तो नहीं है? उसे हाथ में लेकर लॉयड कहता है, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर कहने लगता है, क्या तुम डेमियन डेजमंड तो नहीं हो? मुझे माफ़ करना। फिर वो बहुत ही ज़ोर से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मेरी बेटी ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे माफ़ करना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डेजमंड आ चुका है। लॉयड भी उसे देख के डेमियन के सामने और ज़्यादा झुक जाता है और कोशिश करता है कि जब तक डेजमंड वहाँ पे ना पहुँच जाए वो ऐसे ही रहे।
और वहाँ पे जब डेजमंड आता है उसके सिक्योरिटी सारा सब बोलने लगते हैं क्या हुआ यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लॉयड उठ के उनके सामने जाके कहता है आई एम सो सॉरी मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, मुझे पता है आप माफ़ नहीं करेंगे पर मैं माफ़ी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक काम कीजिए मुझे अपना रेसिडेंस बोलिए, मैं आपके वहाँ पे जाके एक गिफ्ट दे दूँगा। पर यह सब सुन के डेजमंड कहता है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हम लॉयड की एजेंसी में देखते हैं एक आदमी बातें कर रहा होता है, सारे क्राइम लीडर वहाँ पे है, हमें क्या लॉयड के पीछे बैकअप नहीं भेजना चाहिए। पर वो लेडी कहती है नहीं वहाँ पे आप कोई भी जाएगा 30 मिनट के अंदर वो सब पकड़े जाएंगे और हमारा प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, क्या तुम्हें चाहिए। दूसरी तरफ डेजमंड लॉयड को माफ़ कर दिया है, ये देख के डेमियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या पापा आपने उसे ऐसे ही माफ़ कर दिया, उसने डेजमंड फैमिली के ऊपर मुक्का मारा है, उन्हें ऐसे कैसे माफ़ कर सकते हो। पर यह सुन के डेजमंड बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है और डेमियन ये देख के चुप हो जाता है। पर लॉयड डेमियन को कहता है कोई बात नहीं डेमियन मुझे पता है तुम सही हो, मेरी बेटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। पर बार बार इंसिस्ट करने पर भी डेजमंड एक ही बात कह रहा है कोई बात नहीं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यह सब देख के लॉयड सोचता है अब ज़्यादा इंसिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें मुझ पर शक हो जाएगा और ये बिल्कुल सही नहीं होगा मेरे मिशन के लिए। और फिर डेमियन को देख के लॉयड कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए सर पर मुझे पता है बच्चे को संभालना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम जैसे चाहते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते और हम उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये सुन के डेमियन थोड़ा सा खुश होते हैं और कहते हैं हाँ तुमने सही कहा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर्स होते हैं और हाँ हम उनके लिए कुछ भी करें पर उन्हें वो समझ नहीं आता है। फिर लॉयड कहता है सर आप उनके लिए कुछ भी करें पर थोड़ा सा टाइम उनको उनके लिए ज़रूर निकालें। यह कह के लॉयड डेमियन से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए डेमियन मेरी बेटी आनिया आपको बिल्कुल भी नापसंद नहीं करती है बल्कि वो तो आपकी दोस्त बनना चाहती है, हो सके तो आप भी उसकी दोस्त बन जाना। ये सुन के डेमियन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है हाँ मैं भी चाहता हूँ। पर तभी बहुत ही ज़्यादा शर्मा के वो ज़ोर से कहने लगता है चुप रहो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अभी सीन शिफ्ट होता है, डेजमंड डेमियन से पूछता है बोलो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। ये सुन के डेमियन कहता है पापा कुछ नहीं, पर ये सुन के डेजमंड चले जाने लगता है। फिर डेमियन पापा को ज़ोर से बुलाता है पापा मैंने तो एक स्टेला निकल लिया है पर बाकी मेरे रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं, मुझे एक सब्जेक्ट में तो 50-50 मिला है। ये सुन के डेजमंड सिर्फ कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं कि तुम डेजमंड फैमिली में हो तुम्हें सब कुछ में अच्छा करना है पर हाँ तुम अपनी तरह से अच्छी काम करना और हार्डवर्क करो। यह सुनकर डेमियन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है बिल्कुल पापा बिल्कुल। हम देखते हैं दूर से ये सब लॉयड देख रहा होता है और लॉयड सोचता है सही है अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है पर मैं उससे कुछ भी नहीं निकाल पाया वो कैसा है। फिर अगले सीन में हम घर की सीन देखते हैं, आनिया सोई हुई है, लॉयड आके उसको देखता है, आनिया नींद में ही कहती है पापा मैं बॉस से ज़रूर लड़ूंगी पापा। ये सुन के लॉयड मन में सोचता है इसे तो पता भी नहीं क्या चल रहा है, मैं इसकी बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, आपको अगर पसंद आया तो बिल्कुल मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले नए वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।